कैसे हैं आप सभी। अगले वीडियो में आप सभी को स्वागत है। तो जैसे कि आपको पता है, पीसी बिल्ड गाइड फुल दे रहा हूं इस चैनल पर। तो वन बाय वन पीसी कंपोनेंट्स मैं एक्सप्लेन करते जा रहा हूं इस वीडियोस पर। तो आज का टॉपिक है कैबिनेट। तो पीसी बिल्ड के लिए कैबिनेट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि कैबिनेट एक घर जैसा होता है। तो घर में पीसी कंपोनेंट्स फिट करते हैं तो वैसा ही कैबिनेट रहता है। तो कौन सा कैबिनेट लेना चाहिए, कितने सारे ऑप्शंस है, इस वीडियो में फुल कवर कर लूँगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, एंड वैसे कर लाइक एंड शेयर कर देंगे तो ज़रूर सपोर्ट होगा इस चैनल को। तो कैबिनेट, कंप्यूटर कैबिनेट और केस। यूजुअली हम कंप्यूटर मतलब सीपीयू बोलते हैं। सीपीयू इज़ जस्ट ए पार्ट, दैट्स द प्रोसेसर जो वर्क करता है, ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर कहते हैं। वो इतना ही पार्ट रहता है, वो सीपीयू है। ये वाला जो घर रहता है इसका, वो कंपोनेंट्स फिट करने के लिए, उसको कंप्यूटर कैबिनेट कहते हैं और कंप्यूटर केस कहते हैं। तो अभी आपके पीसी के लिए कैसे डिसाइड करेंगे कि कौन सा ब्रांड का लेना है एंड कौन सा स्टाइल का लेना है। देखिए, कंप्यूटर कैबिनेट चॉइस करना एक वेरी सब्जेक्टिव थिंग। कई लोगों को ऐसे डिज़ाइंस पसंद आते हैं, कई लोगों को वैसे डिज़ाइंस पसंद आते हैं, लेकिन इसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें रहते हैं, वो कॉमन रहता है। वो सबसे पहले आपको देखना है आपका मदरबोर्ड कौन सा ले रहे हैं। तो अगर फॉर एग्जांपल आप फुल साइज़ ATX मदरबोर्ड ले रहे हैं, तो वो मदरबोर्ड आपके कंप्यूटर कैबिनेट में फ़िट होना चाहिए। तो फिट होने के लिए एटलीस्ट आपको, अगर आप ATX मदरबोर्ड ले रहे हैं, तो यू हैव टू बाई ए मिड टावर कैबिनेट। मतलब मिड टावर कैबिनेट लेंगे तो उसमें ATX भी फिट कर सकते हैं, माइक्रो ATX भी फिट कर सकते हैं मदरबोर्ड। तो ऐसे चॉइसेस रहता है। तो यूजुअली जनरली कंप्यूटर कैबिनेट्स मतलब 3 to 4 वेराइटीज़ आता है। एक तो फुल टावर रहता है, फुल टावर यानी बड़ा वाला, जो नेटवर्किंग वर्क स्टेशन के लिए बिल्डअप करते हैं पीसी, उनके लिए फुल टावर यूज़ होता है। एंड जनरली मोस्ट कॉमन प्रेफर करते हैं मिड टावर। जो हम सारे कंप्यूटर जो देखते हैं कैबिनेट कंप्यूटर शॉप पर, वो रहता है मिड टावर का। मिड टावर इसलिए क्योंकि उसमें सारे फिट हो जाते हैं जनरली, तो इसके लिए मिड टावर। एंड मोर ओवर वो स्पेस थोड़ा कम कंज्यूम करता है, एंड दैट टू वेरी कॉम्पैक्ट एंड स्लीक स्टाइलिश डिज़ाइंस आए हैं आजकल। अलग अलग ब्रांड्स, अलग अलग कॉम्पिटिटर्स बना रहे हैं अच्छे अच्छे के कंप्यूटर कैबिनेट्स। तो इसके लिए आपको मिड टावर लीजिए, अदरवाइज़ आप माइक्रो ATX का बिल्ड कर रहे हैं छोटा वाला पीसी, तो आप बिल्कुल माइक्रो ATX का यानी कि मिनी टावर जो कहते हैं, वो भी आप ले सकते हैं कैबिनेट। तो मेरा रिकमेंडेशन ये होगा कि अगर आप एक मल्टीमीडिया कंटेंट के लिए, देखने के लिए, फॉर एग्जांपल मूवीज़ देखने के लिए, सॉन्ग्स सुनने के लिए, वैसे के लिए अगर आप कंप्यूटर बिल्डअप कर रहे हैं, एंड आप अगर मॉनिटर टीवी का जो रहता है आपके घर में लिविंग रूम में, तो अगर आप टीवी के लिए कनेक्ट करना चाहते हैं, तो मेरा रिकमेंडेशन होगा कि आप होम थिएटर पीसी बिल्ड कीजिएगा, यानी कि HT PC जो कहते हैं। उसके लिए आपको एक छोटा सा कैबिनेट मिलेगा, वो वाला आप इन्वेस्ट कीजिए उसमें, ताकि वेरी क्यूट लुकिंग वेरी स्मॉल कैबिनेट रहता है, एंड उस पर आप अपना जो पीसी कंपोनेंट्स है वो ज़रूर बिल्ड कर सकते हैं। उसके लिए सपोर्टेड पीसी कंपोनेंट्स, जैसे कि क्योंकि वो स्पेस बहुत छोटा रहता है, तो उसमें फिट हो जाने के लिए माइक्रो ATX मदरबोर्ड रहता है, वो वाला फिट कर सकते हैं। जनरली सारे कंपोनेंट्स आसानी से मिलते हैं, आप ले सकते हैं, अफोर्डेबल भी है, ऐसा नहीं कि वो एक्सपेंसिव हो जाएगा, एक्चुअली वो चीप पर मिलेगा ऑप्शंस आपको, तो वो वाला आप ज़रूर बिल्डअप कर सकते हैं। एंड अगर आप जनरली एक पीसी ले रहे हैं घर में सारे यूज़ करने के लिए, सारे सॉफ्टवेयर्स हो, या फिर टीवी में आप मीडिया कंटेंट वॉच करने के लिए, या फिर मॉनिटर में यूज़ करने के लिए, तो मिड टावर चासिस जो कहते हैं, या फिर मिड टावर कैबिनेट ही आप ले सकते हैं। तो अगर आप अभी आपने डिसाइड कर लिया कि मिड टावर लेना है कैबिनेट, तो कौन से ब्रांड का लेंगे, कैसे वैरायटी का लेंगे। देखिए, इसमें स्टोरेज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आजकल तो फॉरेन में बहुत सारे SSD का चल रहा है, तो SSD के लिए ज़्यादा स्पेस नहीं रहता है, तो इसके लिए वो SSD स्लॉट अलग से दे देते हैं 3 to 5 स्लॉट्स रखने के लिए। बट क्या हुआ है, मैकेनिकल हार्ड ड्राइव्स जो है वो कम बिकने लगा है, तो इसके लिए स्पेसेस बहुत कम अलॉट किए रहते हैं एक कंप्यूटर कैबिनेट में। तो फॉर एग्जांपल अगर आपके पास 3-4 हार्ड डिस्क है मैकेनिकल ड्राइव का, तो वो हार्ड डिस्क आप बिल्कुल इसमें फिट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इसका मैक्सिमम सपोर्ट रहता है 2 or 3। तो इसके वजह से आप डिसाइड कीजिए कि अच्छा केस कौन सा रहेगा आपको, एंड उसके आधार पर आप ले सकते हैं। अगर आप ब्रांड्स के रिलेटेड पूछेंगे, तो मेरा रिकमेंडेशन ये होगा कि आप ज़रूर कूलर मास्टर पर एक बार देखें, उनका केसेस बहुत ही अच्छे केसेस बनाते हैं। क्योंकि अराउंड मैं 10 ईयर से कूलर मास्टर प्रोडक्ट्स यूज़ कर रहा हूँ, तो बहुत ही अच्छे एंड रिलायबल है,
तो इसके लिए आप डेफिनेटली मैं पर्सनल रिकमेंड करूँगा कि कूलर मास्टर का कैबिनेट दे सकते हैं। ऑफ कोर्स अदर ब्रांड कॉम्पिटिटर्स भी बहुत अच्छे बना रहे हैं आजकल, जैसे कि कॉर्सर हो या फिर जैसे कि फैंटेक्स का हो या फिर इवन हमारे जो लोकल ब्रांड्स हैं यहाँ पर सर्कल कैबिनेट्स। आई थिंक मैं तो पर्सनली देखा नहीं सर्कल कैबिनेट्स कैसा है क्वालिटी इसका, तो पर्सनली कमेंट नहीं दूंगा इसके रिलेटेड। अच्छा भी हो सकता है नहीं भी हो सकता है, बट इट ऑल डिपेंड्स ऑन दी क्वालिटी ऑफ दी कंपोनेंट्स दैट आर यूज्ड टू बिल्ड ए कंप्यूटर कैबिनेट। अभी मेटल शीट अच्छा क्वालिटी का यूज़ किया रहे तो अच्छा रहेगा, टेम्पर्ड ग्लास उसमें है तो थोड़ा कॉस्टली रह सकता है लेकिन अच्छा रहेगा, एक्रिलिक पैनल रहता है साइड में डिस्प्ले के लिए तो वो वाला भी अच्छा रहेगा। इट ऑल डिपेंड्स ऑन पर्सनल टेस्ट कौन सा प्रेफर करेंगे। तो बट जनरली ये आप देखिए कि आपका जो ग्राफिक्स कार्ड अगर ले रहे हैं तो ग्राफिक्स कार्ड एंड ATX कैबिनेट अच्छी तरह से फिट हो पाता है या नहीं, उसके आधार पर आप कैबिनेट लीजिएगा। मेरे कुछ रिकमेंडेशंस डिस्क्रिप्शन में लिंक देता हूँ, वहाँ से आप जाकर क्लिक करके देख सकते हैं कि कौन सा कैबिनेट्स है अच्छे वाला, तो आप वहाँ पर इन्वेस्ट कर सकते हैं। एंड जनरली देखिए अराउंड 4,000 to 5,000 rupees आप ज़रूर इन्वेस्ट कीजिएगा एक कंप्यूटर कैबिनेट में, तब जाकर आपको एक अच्छा क्वालिटी वाला कंप्यूटर कैबिनेट मिलेगा एंड आप लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम तक वो कैबिनेट रख सकते हैं। आप अंदर जो PC कंपोनेंट रहता है वो बार बार अगर अपडेट करना चाहते तो अपडेट भी आप फ्यूचर में कर सकते हैं, तो कंप्यूटर कैबिनेट के लिए बार बार इन्वेस्ट करना आवश्यक नहीं होगा। तो ऐसे आप कंप्यूटर कैबिनेट्स को डिसाइड कर सकते हैं। तो कैबिनेट्स में ऐसे ऑप्शंस है कि आजकल RGB लाइटिंग का चल रहा है, ऐसे ही इसमें फैंस अलग अलग आते हैं, RGB का फैंस, 120 mm का फैंस, 140 mm का फैंस। इट ऑल डिपेंड्स ऑन योर पर्सनल टेस्ट अगेन एंड कैसे आप कितने कॉस्टली का बिल्ड कर रहे हैं। अगर ज़्यादा कॉस्टली का बिल्ड कर रहे हैं तो इसमें कूलिंग कितना होता है, कूलिंग कितना एफिशिएंट है, वेरी इंपॉर्टेंट हो सकता है, तो इसके आधार पर आप ले सकते हैं। इसलिए मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक देता हूँ, वहाँ से जाकर आप चॉइस कर सकते हैं अच्छे कंप्यूटर कैबिनेट्स को। तो इन सारे चीज़ों को देखने के बाद एक अच्छा वाला कैबिनेट आप ज़रूर सेलेक्ट कीजिएगा। होपफुली इस वीडियो से आपको कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन मिलेगा, अगर है तो लाइक करना ना भूले एंड ऑफ कोर्स अदर वीडियोस जल्द आ रहा है इस चैनल पर, सब्सक्राइब करके बने रहिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ। तो ठीक है, तब तक के लिए टेक केयर अपना, मिलता हूँ अगले वीडियो में, बाय बाय।